हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेलवेट के कपड़े से परफेक्ट फिटिंग प्लाजो पैंट बनाएंगे। पैंट बनाने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और इस कपड़े को हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी और चौड़ाई में ही बनकर ये तैयार हो जाएगा। ऊपर की ओर हमें बेल्ट लगानी है, तो मार्किंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये निशान हम कपड़े की सीधा करने के लिए लगा रहे हैं, बाद में हम इसको कट कर देंगे। इस निशान को छोड़ते हुए हम नीचे की ओर अपनी पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी पूरी लंबाई है 35 इंच। 35 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस कर रहे हैं क्योंकि 1.5 इंच इसलिए बेल्ट है हमारी 1.25 इंच की और सिलाई के लिए जाएगा लगभग 0.25 इंच। 35.5 इंच का निशान लगा करके इसको सीधा कर लेते हैं। अब ऊपर की ओर हम अपने हिप का चौथा भाग का निशान लगाएंगे, 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके 10.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं क्योंकि 1 इंच की हम इसमें प्लीट डालेंगे। 38 इंच की यह हमारी हिप गोलाई वाली पैंट है। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन के निशान के लिए हिप का चौथा भाग 9.5 इंच, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह हम फिटिंग वाला पैंट बना रहे हैं तो ज़्यादा लंबा आसन अच्छा नहीं लगता। अब आसन की गोलाई के लिए आगे की ओर 2 इंच बढ़ाएंगे और गोलाई दे देंगे। आप इस तरह से आसन लेकर के पैंट बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। यहाँ से यहाँ तक नाप कर उसका हाफ कर लेते हैं और ऊपर की ओर इसी हाफ का निशान लगा देते हैं। अब ये हाफ कितना हुआ? 1.25 इंच। 1.25 इंच का ही निशान हम नीचे की ओर भी लगाएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा दिया और दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये निशान हमने पैंट का सेंटर देखने के लिए लगाया है। नीचे की ओर हम मोरी को फोल्ड करने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आप मोरी को थोड़ा कम चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इस लाइन से दोनों ओर हम अपनी मोरी की गोलाई लेंगे, हाफ इधर और हाफ उधर। अगर आपकी मोरी 7 इंच की रख रहे हो तो 3.5 इंच का निशान इधर और 3.5 इंच लगभग उधर लोगे तो पूरा हो गया 7 इंच। लेकिन हमारे मेजरमेंट में 6 इंच, तो 3 इंच मैं इधर ले रही हूँ और 3 इंच ही उधर ले रही हूँ। अब यहाँ पे आसन का सामना देखने के लिए निशान लगा लेते हैं। 10 इंच हो गया और शेप पट्टी की हेल्प से हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और पट्टी को पलटते हुए उस साइड भी हम निशान लगा लेते हैं। शेप पट्टी की हेल्प से हमारी पैंट की शेप बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगर इधर से हम गोलाई नहीं देते तो थोड़ा सा कॉर्नर निकल जाता है सिलाई करते हुए। नीचे की ओर थोड़ा तिरछा कर लेंगे जो कि मोहरी फोल्ड करते हुए आसानी होगी। यहाँ पर हम अपने प्लेट का निशान लगाएंगे लगभग 4.5 इंच, और प्लेट की दूरी लगभग हम 1 इंच की प्लेट डाल रहे हैं तो दोनों प्लेट्स की आधा इधर और आधा उधर हो गया है। अब बाहर वाली शेप पे हमने इसकी पैंट की कटिंग कर दिया है, अंदर वाली शेप की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को बचे हुए कपड़े के ऊपर रख दिया है और इस कपड़े को हमने लगभग 2 इंच नीचे की ओर रखा है। ये शेप हम बाद में कट करेंगे, फ्रंट की और बैक की दोनों की एक साथ। अब आसन की ओर से हम 2-2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे क्योंकि बैक पार्ट में हमें थोड़ी लूजिंग चाहिए होती है और पीछे हमें इलास्टिक भी डालनी है। ये 2-2 इंच का निशान बढ़ाते हुए हमने ऊपर तक लाइन बना ली है और आसन की गोलाई भी आगे की ओर 2 इंच लेकर के दे देंगे। ये आसन की गोलाई दे दी है।
अब ये जो हमने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे, आसन से ऊंचा रखेंगे और आगे की ओर पूरा मिला देंगे, इससे हमारी पैंट पीछे से बैठते हुए खिसकेगी नहीं। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और घुटनों के पास से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और नीचे की ओर से हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो कि दोनों तरफ बस सिलाई के काम आएगा। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। और इन निशानों को मिलाते हुए फिर हम इस पैंट की बाहरी कटिंग कर देंगे। अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है और फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के जो कटिंग हमने पहले छोड़ी थी अब हम उसकी भी कटिंग कर दी है। अब ये प्लीट का निशान हम दूसरी ओर भी लगा लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें दोनों तरफ प्लीट डालनी है। इन दोनों निशानों को लगाने के बाद में लगभग हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस पैंट में हमें पॉकेट भी लगानी है। तो कटिंग करने के बाद अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग करने के लिए जो भी कपड़ा बचा था मैंने वही ले लिया है, ज्यादा कपड़ा नहीं था। तो यहाँ से हम इस कपड़े को सिलाई कर लेंगे। इस कपड़े की लंबाई लगभग 13 इंच है और नीचे से हम अपनी पॉकेट की चौड़ाई 6.5 इंच ले रहे हैं और ऊपर से 5.5 इंच ले रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और थोड़ी सी नीचे की ओर से गोलाई दे देंगे। अब इसी साइड से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यह हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। यहाँ से हम बाद में स्टिच करेंगे। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पॉकेट लगाने के लिए हमने सबसे पहले अपने आसन को अटैच कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, पैंट के फ्रंट पार्ट के राइट साइड में हम अपनी पॉकेट की मार्किंग करते हैं, क्योंकि हम इसमें एक साइड पॉकेट लगाएंगे और एक साइड जिप लगाएंगे। ऊपर की ओर से लगभग 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच हम नीचे की ओर फ्री छोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपने पॉकेट को 5.5 इंच खुला रखेंगे, जो कि हमारे हाथ अंदर डालने के लिए आसान होगा। और अपनी पॉकेट की सिलाई लगा लेते हैं। ये जो हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ा था इसको हम स्टिच करेंगे। पहले इसको सिल लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए मैं कपड़े को सीधी ओर से सिल रही हूँ क्योंकि मैं पॉकेट सीधी ही लगाती हूँ। अगर पॉकेट जैसे अंदर की तरफ हाथ डालते हैं तो पॉकेट अंदर से दिखती है, तो अगर उल्टी होती है तो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं हमेशा सीधी पॉकेट ही अंदर की ओर रखती हूँ। दोनों कपड़ों का सीधा और अंदर की तरफ ले करके जो हमने निशान लगाए थे उन पे लगभग 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको लगभग हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे और सुई को अंदर रखते हुए पलट कर सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ तक इस निशान पे दोबारा पहुंचते हुए हम इसको बाहर की ओर निकाल लेंगे। अब ये जो कॉर्नर्स बने हैं यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। बस हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के पास तक हम कट लगा देते हैं, जिससे कि जब हम अपने पॉकेट को फोल्ड करेंगे तो आसानी से वो फोल्ड हो जाए। अब हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
जिससे हमारी पॉकेट एकदम सेट होकर के बैठ जाए। ये हमने सिलाई लगा दी है, अब हमारी पॉकेट इस तरह से दिखेगी स्टिच होने के बाद। और इसको इस तरह से पकड़ के अंदर की ओर करेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगी, ये पॉकेट हमारी इस तरह से आ गई है। इस तरह से होने के बाद हम इसका सेंटर पकड़ते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये पॉकेट कुछ इस तरह से दिखेगी, ये पॉकेट का अंदर की ओर होगा। ये हमने पॉकेट को यहाँ से सिल दिया है नीचे की ओर से। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से, अंदर की ओर पलटेंगे इस तरह से। पॉकेट लगाने से अंदर की ओर से भी पॉकेट गंदी नहीं लगती, जब हम अपनी पैंट को उल्टा करते हैं तो भी बुरी नहीं लगती क्योंकि सिलाई नहीं दिखती। और जब हमारी पॉकेट में हम हाथ डालते हैं थोड़ा पॉकेट खुल जाता है, तो तब भी अगर उसके अंदर से सीधा कपड़ा दिखाई देता है तो वो गंदा नहीं लगता। इसलिए मैं कपड़े की हमेशा सीधी साइड अंदर रखती हूँ। अब यहाँ से हम अपनी पॉकेट को यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। कपड़े को सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाते हुए बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अब हम जो सिलाई लगा रहे हैं वो नीचे वाले कपड़े पे आए, सिर्फ ऊपर अपने पॉकेट की जो हमने शेप ली थी उस शेप पे ना चढ़े सुई, क्योंकि फिर पॉकेट बंद हो जाएगी। ये वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा फिसलता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि वेलवेट के कपड़े पे आप हमेशा 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल करें, तो ना वो टाप देगी मशीन आपकी और बहुत ही अच्छी सिलाई आएगी, ना ही आपका कपड़ा कट होगा। अब अपने बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख दिया है, और जो हमने अभी सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के ऊपर अब हमें सिलाई लगानी है। ऐसा करने से हमारी पॉकेट कभी भी बंद नहीं होती, जैसे सिलते हुए पॉकेट बंद हो जाती है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब हम यहाँ पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी बस उसी सिलाई पे अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पॉकेट की शेप हमने दी थी उसको हमने अंदर की ओर कर दिया, और सिर्फ जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर अब हम सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की ओर आते हुए अब हम पूरे पैर को सिलाई लगा देंगे। पॉकेट को सेट करते जाएं और कपड़े को सिलते जाएं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ये वेलवेट का कपड़ा है, बहुत खींचता है, आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी सिलाई करें। अब एक साइड हमने पॉकेट लगाई है तो दूसरी साइड हम इसमें जिप लगाएंगे। उसकी वीडियो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। यह हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई है। पॉकेट को हम फ्रंट पार्ट की ओर फोल्ड करके रखते हैं। अब हम यहाँ पे प्लीट्स डाल लेंगे। प्लीट्स डालने के बाद हम इसमें जिप लगाएंगे। अगर आपको जिप का भी वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जिप का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर रही हूँ। यह हमारी प्लीट भी डल के तैयार हो गई है, और दूसरी साइड जिप लगा करके हमने दूसरे पाँव की भी सिलाई कर दी है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए फ्रंट में हम पेस्टिंग लगाएंगे और पीछे की ओर इलास्टिक लगाएंगे। तो हम अपना फ्रंट पार्ट नाप लेते हैं, हल्के हाथों से नापिएगा, इसको खींचिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादा होगा तो उस पे हमारे कपड़े में झोल आ जाता है। ये हमने 1/4 इंच की पेस्टिंग ली है, इस कपड़े की पूरी चौड़ाई 4 इंच ली है, और ये पट्टी हमने काफी लंबी ली है क्योंकि इस एक ही पट्टी से हम आगे और पीछे पूरा बना देंगे। ये 18 इंच हमने नापा था तो 18 इंच की पेस्टिंग लगाई है, और आगे की ओर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और बाकी पूरे में प्लेन है क्योंकि पीछे की ओर तो हमें इलास्टिक डालनी है।
अब हम अपने कपड़े का पैंट का उल्टा साइड लेंगे और इसके ऊपर अपनी बेल्ट रख देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए ये देखिए पैंट की सीधी साइड है और बेल्ट की उल्टी साइड, दोनों की अंदर की ओर है। इस तरह से सेट करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और कपड़े को खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं हम। अब मैंने कहा था थोड़ा सा कपड़ा खींच सकता है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा कट कर देते हैं, बाकी पूरे में सीधी सीधी सिलाई लगा। इस तरह से बेल्ट लगाने में बेल्ट में बहुत ही फिनिशिंग आती है, कहीं से भी कोई सिलाई नहीं दिखाई देती। कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इधर से भी कट कर देंगे और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कपड़ा फोल्ड किया था, इसी तरह से हम इधर की ओर भी कपड़ा फोल्ड करके सिलाई को बाहर की ओर निकाल लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम 14 इंच की ले रहे हैं, ये किस मेजरमेंट से ले रहे हैं मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। अब इलास्टिक को हम इसके सेंटर में से ही अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ पे इलास्टिक को हम 2-3 सिलाई लगा करके पक्का कर लेते हैं। और ये ध्यान रखें, हमने अभी इलास्टिक पे सिर्फ निशान लगाया था, इलास्टिक को कट नहीं किया था, कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की ओर और इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते हम इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे ताकि उधड़े नहीं, सुई को अंदर रखते हुए। अब सिर्फ हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया है। कपड़े को फोल्ड करते चले जाएं और सिलाई लगाते जाएं। यहाँ आ करके इलास्टिक जहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगानी है, लेकिन हमारे इलास्टिक जरा भी दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में हमें इलास्टिक को खींचना है, अगर दब गई तो वो बाद में खींचेगी नहीं। देखिए अब हम अपने इलास्टिक को खींचेंगे। इलास्टिक खींचने के बाद ये निशान हमारा आ गया जो हमने 14 इंच का लगाया था। इसको थोड़ा बाहर की ओर खींच लेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अब अपनी इलास्टिक को धीरे धीरे अंदर की ओर करेंगे, अदरवाइज ये पूरी अंदर चली जाएगी। धीरे धीरे अंदर की ओर करके इसको यहाँ पे कपड़े के अंदर कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करें, बाहर की ओर कपड़ा निकला तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अंदर की ओर सुई को लेते हुए सीधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी इलास्टिक है, तो थोड़ा आगे जा करके हम इसको 2-3 स्टिच दे देंगे यहाँ पे, ताकि हमारी इलास्टिक यहाँ भी पक्की हो जाए। ये हमारी बेल लगकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम बाद में बटन लगा देंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल लग गई है। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, पीछे की ओर भी हमने सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड कर लेंगे। मोहरी फोल्ड कर ली है हमने। मोहरी फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर में से सिलना स्टार्ट करेंगे। सेंटर में से सिलने से आपकी पाँव ऊपर नीचे नहीं होते सिलाई में। अब हमारी पैंट बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुई है। ये हमारी बेल्ट है, इधर पॉकेट है। आप देखिएगा इस पैंट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है, और आप इस तरह से बनाएं आपकी पैंट की भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।